हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल नॉलेज। अगर आपने अपनी जॉब छोड़ दी है किसी भी रीज़न से एंड आपके प्रोविडेंट फंड और पीएफ में आपकी सर्विस या फिर जॉब की एग्जिट डेट मेंशन नहीं है या फिर आपके एम्प्लॉयर ने इंटेंशनली एग्जिट डेट मेंशन नहीं की है तो आप अपना पीएफ विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपना पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं तो अब आप खुद अपने जॉब या फिर सर्विस की एग्जिट डेट डाल सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ऑनलाइन ईपीएफओ की ऑफिशियल साइट से किस तरह एग्जिट मार्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जाना है गूगल पे एंड गूगल पे आपको टाइप करना है ईपीएफओ। इसका फर्स्ट वेबसाइट है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स आपको सर्विसेज का एक ये दिख रहा होगा, इस पर आपको माउस लेके जाना है एंड इसके बाद आपको एम्प्लॉइज पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं सर्विसेज में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है मेंबर UAN/online service, आपको इस पर क्लिक करना है। देन फ्रेंड्स आपको अपना UAN एंड पासवर्ड के साथ इसे लॉग इन करना है। जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने UAN नंबर मेंशन कर दिया है। अगर आपको अपना UAN नंबर नहीं पता है फ्रेंड्स तो आप ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं कि UAN नंबर को कैसे निकालना है। उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको साइन इन करना है। और जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये लॉग इन हो चुका है। देन फ्रेंड्स उसके बाद आपको मैनेज पे क्लिक करना है, मार्क एग्जिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट चूज़ करना है। अगर आपका एम्प्लॉयर एक से ज़्यादा है तो उसमें आपको वो चूज़ करना है जिसमें मार्क एग्जिट नहीं है, तो फिलहाल इसमें एक ही है। देन उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है एम्प्लॉयर्स लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्च 2023 में है, तो हमें इसी मंथ में चूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम डेट ऑफ एग्जिट करेंगे पीएफ के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है यू कैन सेलेक्ट एनी डेट ऑफ लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मंथ बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर ने जिस लास्ट महीने में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पे किया है ईपीएफओ में, उस मंथ की आप कोई भी डेट चूज़ कर सकते हैं। और एक बार ये अगर डेट आप चूज़ कर लेंगे फ्रेंड्स तो उसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आप डेट डालें 2 महीने के बाद ही आप पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पे मार्च आ रहा है क्योंकि लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से मार्च में किया गया था, तो उस महीने की हम कोई भी डेट चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं अगर कर देता हूँ 31 मार्च 2023, तो ये जो डेट है यहाँ से 2 महीने बाद ही मैं पीएफ विड्रॉल कर सकता हूँ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ दूसरी डेट, कंफर्म कर देता हूँ इसे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको रीज़न सेलेक्ट करना है एग्जिट का, तो मेरे केस में शॉर्ट सर्विस है, सेशन है, क्योंकि जॉब छोड़ दी थी इस केस में, तो मुझे ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, कंसेंट पे रिक्वेस्ट OTP पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स OTP एंटर कर दिया है मैंने। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है एंड सबमिट पे क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, तो आपको इसे अपडेट कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। ओके पे क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट ऑफ जॉइनिंग ईपीएफ का दिखा रहा है एंड डेट ऑफ एग्जिट अब यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह पेंशन का भी आपका डेट ऑफ एग्जिट आ चुका है यहाँ पे 31 मार्च।
और अब आपको इस बात एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो डेट ऑफ एग्जिट है वहाँ से 2 महीने के बाद ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये था EPFO पोर्टल से ऑनलाइन एग्जिट मार्क करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।